मेरे और दानियाल की वजह से कर रही हो? अगर तुम कुछ ऐसा करियो तो प्लीज मत करो। मुझे अब दानियाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि दानी बहुत चाहता है तुम्हें। अगर मैं इनकार कर देती तो फिरदौस पुप्पो और मुदसर पुप्पा तुम्हारा और दानी का रिश्ता मना कर देते। तुम भी तो दानी से मोहब्बत करती हो। हाँ मोहब्बत थी, क्योंकि बचपन से ही सबसे सुना था मेरे और दानियाल के रिश्ते के बारे में, अम्मी मामी, तो इसलिए खामा खा मोहब्बत हो गई उससे। खामा खा मोहब्बत? हाँ खामा खा मोहब्बत, जैसे आपको किसी से खामा खा की चिढ़ नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसे मुझे उससे खामा खा की मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जब उसने किम के रिश्ते के लिए हाँ की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो उससे चिढ़ है, मोहब्बत नहीं। तो तुम दानी से शादी नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं। पप्पा मान जाएंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे, बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। और दानी का क्या? तो पाँच चाहते हैं तुम? अच्छा, तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे दानियाल को तुम अपनी और हामिद भाई की बात करो आज। कुछ तो तैयार हो जाओ, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई तुमने, नए मेकअप किया हुआ। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा सामान का, मैं लेकर आती हूँ। बशारत ने बताया ना तुम्हें कि वो रकम कनीज फातिमा की अमानत है। अरे हम क्या बेवकूफ हैं, कौन सी अमानत, कैसी अमानत भाई। अगर डॉक्टर नवीद को अपनी बेटी की मदद करनी होती तो उसके हाथ में देता पैसे, बशारत को नहीं देता। अब ये सब तरीके होते हैं मदद करने के, खैर जाने दीजिए, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हामिद आपका होने वाला दामाद, या तो आप डॉक्टर नवीद से कहिए या फिर आप खुद हामिद को अमेरिका में सेट करवाना होगा। वेट, मेरे डैड हामिद को क्यों अमेरिका में सेट करें? वो वहां पे डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट नहीं। बेटी तुम जरा खामोश रहो, तुम्हारे बुढ़ापा सिर्फ इशारे हैं कि मैं ब्लैकमेल करूं। मुदसर, मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत दुख हो रहा है, आपसदारी में रिश्ते इस तरह नहीं होते। लेकिन तुम तो सीधे सीधे सौदेबाजी पर उतर आए हो, इस तरह तो फिर दानियाल और हुस्ना का रिश्ता भी खटाई में बढ़ जाएगा। अरे दानियाल और हुस्ना की बात आप रहने दीजिए, वो इरादा में तक कर चुका हूँ, अभी आप रहिए हामिद और सुरैया। अगर हम लोग तुम्हारी ये शर्त न माने तो फिर मैं कह चुका हूं कि फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, एक बेटी दी थी तुम्हें, अब दूसरी देने की गलती नहीं करूंगा। मगर अब्बा जी, फर्ज अदा करना था, बोझ उतार कर फेंकना नहीं था। दाऊद, दानियाल को मना करो, मौलवी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। जी दादाजी।